ओके चले शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. वी आर लर्निंग अबाउट द ग्रुप 15. ग्रुप 15 के सारे कॉमन थियरीज हम पढ़ चुके हैं, राइट. ग्रुप 15 के ऑक्सीडेशन स्टेट सीखे थे, हाइड्राइड का टॉपिक सीखा था, ऑक्साइड सीखा था, हैलाइड सीखा था. नाउ वी आर ऑन द पर्टिकुलर थियरीज ऑफ ग्रुप नंबर 15. वी विल स्टार्ट विद द नाइट्रोजन N2 गैस, राइट. यू नो दैट N2 गैस एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा होता है, करीब 78%. बट कॉमर्शियली नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, नाइट्रोजन के क्या प्रॉपर्टी है और क्या उसके यूजेस है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट. लेट्स स्टार्ट विद द नाइट्रोजन. चलिए, सो प्रिपेरेशन ऑफ नाइट्रोजन. डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 गैस. प्रिपेरेशन ऑफ नाइट्रोजन, इट इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. तो पहले पूरे एयर को लिक्विफाई कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे एयर को गर्म करा जाएगा, तो गैसेस अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन एंड डिस्टिलेशन ऑफ एयर. लिक्विड नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, कितना है, खाली 77.2, राइट. तो ये सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, कौन, नाइट्रोजन, एंड देन लीव बिहाइंड द ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन. तो लेट से पूरे एटमोस्फियरिक एयर को कंप्रेस किया गया और पूरे एयर को ठंडा करा गया लेट से 40 केल्विन तक, तो पूरा एयर क्या हो गया, लिक्विड हो गया. अब धीरे धीरे लिक्विड को गर्म करेंगे, तो गर्म करते ही 40 से जब गर्म करोगे तो पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 77.2. जैसे ही 77.2 आएगा, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो लिक्विड नाइट्रोजन बॉइल होके गैस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा. ऑक्सीजन क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है, वो अभी सेपरेट होना नहीं है, तो 77 पॉइंट पे नाइट्रोजन पहले ही निकल जाएगा. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन 77.2 केल्विन. इन द लेबोरेटरी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड. लेबोरेटरी प्रिपेरेशन में वी टेक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वी ट्रीट इट विद सोडियम नाइट्राइड. सोडियम नाइट्राइड इज NaNO2, नाइट्राइड है, नाइट्राइड नहीं. रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड, राइट. द रिजल्टेंट विल बी ऑक्सीजन. ओके, लेट्स राइट द रिजल्टेंट विल बी नाइट्रोजन प्लस H2O प्लस यू विल गेट NaCl. यू कैन राइट द स्टेट्स ऑफ ऑल ऑफ देम, एक्वियस लिक्विड गैस. NaNO2 सॉल्यूशन लेंगे एक्वियस, NH4Cl भी सॉल्यूशन लेंगे एक्वियस, राइट. तो लेबोरेटरी में अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको नाइट्रोजन बनाना है तो आप कौन से दो केमिकल को मिक्स करोगे, आप मिक्स करोगे अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्राइड को. अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्राइड को मिक्स करेंगे, नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड NaCl विल बी प्रोड्यूस. ये थोड़े थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर लैब में चाहिए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में थोड़े अमाउंट में NO भी बनेगा, HNO3 भी बनेगा, एंड दिस इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाई पासिंग द गैस थ्रू एक्वियस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटासियम डाइक्रोमेट, राइट. एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय अनदर. दो रिएक्शन और आपको दिए हुए हैं. इस रिएक्शन में आपको साथ साथ में क्या मिलेगा बेटा, इस रिएक्शन में आपको साथ में थोड़ा बहुत मिलना है NO एज वेल एज HNO3. तो इसे कैसे रिमूव किया जाएगा, दिस इज रिमूव बाय एक्वियस H2SO4 कंटेनिंग पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, राइट. इस सोल्यूशन में से आप पास करोगे तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे एंड यू विल गेट दी नाइट्रोजन गैस. पूछे जाते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है पी ब्लॉक में, राइट. चलिए आगे देखते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ऑप्टेन बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. वट इज अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 twice Cr2O7. इसको गर्म करोगे, यह अमोनियम डाइक्रोमेट. पोटासियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7. तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, NH4 twice Cr2O7. अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही हम गर्म करेंगे, दिस विल डीकम्पोज एंड इट विल डीकम्पोज टू गिव यू अमोनियम, सॉरी नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस यू विल गेट Cr2O3, राइट. आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हो, बैलेंस करना चाहो तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, राइट. चेक कर लो, ये बैलेंस ऑलरेडी नहीं है बैलेंस. H यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 ही है, यू ट्राई टू पुट 4 ही, बाकी सब बैलेंस है, राइट. तो एक और मेथड कौन सा है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. वन मोर रिएक्शन, वेरी प्योर
अगर प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। एजाइड कौन सा आयन होता है बेटा? एजाइड होता है N3 माइनस आयन। एजाइड कौन सा आयन होता है? एजाइड होता है N3 माइनस आयन, राइट? तो यू कैन डिकम्पोज द एजाइड कंपाउंड, सोडियम एजाइड हो सकता है या बेरियम एजाइड हो सकता है। लेट्स टेक बेरियम एजाइड BaN3 ट्वाइस। ये बेरियम एजाइड को जैसे ही डिकम्पोज करोगे आपको 3 मोल नाइट्रोजन मिलेगा, प्लस यू विल गेट द बेरियम एंड दिस इज वेरी प्योर, दिस इज वेरी प्योर। ये बहुत ही प्योर फॉर्म में आपको मिलने वाला है। तो इतने मेथड है अमोनिया प्रिपेयर करने का। पहला इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है? पूरे एयर को लिक्विफाई करके उसको क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे, तो 77.2 केल्विन पे नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अगर अमोनिया चाहिए लैब में तो आप किसको मिक्स करोगे? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड को, यू विल गेट नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस NaCl। साथ में आपको NO और HNO3 भी मिलेगा जिसको रिमूव करेंगे बाय H2SO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्सचर। ओके, नाउ अमोनिया आप बना सकते हो, सॉरी नाइट्रोजन आप बना सकते हो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे यू गेट नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस Cr2O3, राइट? ओके, वन मोर मेथड, अगर आपको बहुत प्योर अमोनिया चाहिए, बहुत प्योर नाइट्रोजन चाहिए, अमोनिया अमोनिया क्यों हो रहा है इसके बाद आ रहा है इसलिए, अगर आपको बहुत प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आप किसको गर्म करोगे? बैरियम अजाइड। अजाइड क्या होता है? N3 माइनस। सो बैरियम अजाइड इज BaN3 ट्वाइस। गर्म करने पे बनेगा नाइट्रोजन प्लस बैरियम जो बहुत ही प्योर फॉर्म में होगा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच कंपाउंड? बैरियम एजाइड। गर्म करना है खाली आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते, प्रॉपर्टी क्या है? तो नाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। नाइट्रोजन एटम हैज टू स्टेबल आइसोटोप N14 एंड N15। इट हैज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी, इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन इतना डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, तो सॉल्युबिलिटी इज 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 bar प्रेशर। याद रखना कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, राइट? तो आप 1 liter पानी में कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व कर सकते हो? 23.2 ml। ये वाला पॉइंट अगर आपको याद हो सेकंड चैप्टर में था, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में, कि अगर आप हाई प्रेशर पे समुद्र में अगर आप बॉटल के अंदर एयर रख के जाओगे तो एयर कंटेंट नाइट्रोजन, और बहुत हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगा ब्लड में, बट जैसे ही बाहर आएंगे नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वो वापस ब्लड में से बाहर आएगा, एंड इट कॉज द कंडीशन कॉल्ड बैंड्स। वो सेकंड चैप्टर में था, राइट? तो सॉल्युबिलिटी बेटा याद रखेंगे 23.2 ml इन 1 liter। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है, कितना है? 63.63 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट हमने आगे देखा कितना है? 77.2 केल्विन। ओके, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इसका रीजन हमने देखा था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आपस में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, और ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए नाइट्रोजन कैसा होता है? प्रैक्टिकली इनर्ट होता है, बट जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली कंबाइन होता है मेटल के साथ टू फॉर्म द प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नाइट्राइड्स, एंड नॉन मेटल के साथ बनाएगा कोवेलेंट नाइट्राइड्स। तो हाई टेम्परेचर पे वो कंबाइन हो जाएगा। किस किस से कंबाइन होगा हाई टेम्परेचर पे? लेट्स सी। तो इट कंबाइन विद मेटल लाइक लिथियम, इट कंबाइन विद मैग्नेशियम। चलो यहां बनाएगा लिथियम नाइट्राइड, दैट इज Li3N। मैग्नेशियम नाइट्राइड इज Mg3N2, राइट? दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, गर्म करने पे रिएक्शन होगा। इसको बैलेंस करेंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 6, यहां रखेंगे 3। तो ये दोनों मेटल के नाइट्राइड है, दोनों कैसे है नेचर में? आयोनिक। विद नॉन मेटल इट विल गिव यू कोवेलेंट नाइट्राइड्स। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो अमोनिया बनाने के रिएक्शन को क्या कहते हैं? हेबर प्रोसेस। N2 प्लस H2 विल गिव यू 2NH3, राइट? दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट 773 केल्विन, एंड रिएक्शन टेक प्लेस रिवर्सिबली। Reversibly ammonia will produce with reaction of nitrogen and hydrogen. Okay, this reaction is enthalpy -46.1 kilojoule per mole. Okay, enthalpy value -46.1 kilojoule per mole. Okay, एक और दिया, इस प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस। इसके बाद के टॉपिक में इसके बारे में बहुत कुछ आने वाला है। इट इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। चलिए, अब एटमोस्फियर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, बट वो दोनों नॉर्मली कंबाइन नहीं होते। होते हैं क्या? बट दे कंबाइन व्हेन देयर इज लाइटनिंग, जब बिजली होती है
तब उतने हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा था इन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 में था ये एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत स्लोली कंबाइन होते हैं, बट जब बिजली होगी टेम्परेचर एकदम बढ़ेगा तब वो आपस में कंबाइन होकर एनओ बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेट्स सी, चलो एक और रिएक्शन, N2+O2। कितना टेम्परेचर चाहिए आपको? टेम्परेचर चाहिए करीब 2000 केल्विन, 2000 केल्विन पे ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे दोनों कंबाइन होकर? नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ, राइट। वापस फटाफट सारे पॉइंट देखेंगे। नाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, दो आइसोटोप है N14 and N15। सॉरी, सॉल्युबिलिटी कितना है? 23.2 ml इन 1 liter ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट इज 63 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इज 77.2 केल्विन, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर पे इनर्ट है बिकॉज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गर्म करोगे तो रिएक्टिविटी बहुत रैपिडली बढ़ेगी, गर्म करने पर वो मेटल के साथ कंबाइन होगा, आयोनिक नाइट्राइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा एंड कोवेलेंट नाइट्राइड आपको बना के देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते। यूजेस क्या है? मेजोरिटी ऑफ नाइट्रोजन इज यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन सच एज कैल्शियम साइनामाइड, टू क्रिएट इनर्ट एटमोस्फियर, राइट। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इनर्ट डाइल्यूट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स, तो बेसिकली इनर्ट एटमोस्फियर बनाने के लिए नाइट्रोजन को यूज करा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज, बिस्किट खाया है वो लिक्विड नाइट्रोजन वाला, धुआं निकलता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल मटीरियल्स, फूड आइटम्स एंड इन क्रायो सर्जरी। एक मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रायो सर्जरी। क्रायो मीन्स समथिंग विच टेक प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर, एकदम लो टेम्परेचर पे जो चीजें करी जाती है ना उसकी अलग से पूरी फील्ड है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। तो क्रायो सर्जरी इज अ सर्जरी टेकिंग प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर, और वहां पे क्या यूज होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। अब वो लिक्विड नाइट्रोजन की बिस्किट खाओगे तो देखना आपकी जीभ एकदम पूरी ऐसा लगता है कि पूरी जम गई है ना। फिर वो लिक्विड जैसे आप उसको मुंह में रखोगे वो लिक्विड तुरंत ही वापस गैस बनेगा, बहुत सारा धुआं निकलता है अलग अलग जगह से। राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। चलो एग्जाम्पल, सोडियम एजाइड, एजाइड क्या होता है? N3-, सोडियम क्या होता है? Na+। तो सोडियम एजाइड इज NaN3, सोडियम एजाइड इज NaN3। सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है। चलो उसको गर्म करेंगे, कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन प्लस सोडियम। चलो इसको बैलेंस करेंगे, यहां पर लगा देंगे 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड, नाइट्रोजन इज गैस, सोडियम इज सॉलिड। गॉट इट? सिंपल सा रिएक्शन है। आगे थियरी में दिया है बैरियम एजाइड, यहां पे क्या दिया है? सोडियम एजाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन, व्हाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ वेरी हाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ वेरी हाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट थियरी, अमोनिया। नाइट्रोजन यहां कंप्लीट होता है, आगे बढ़ेंगे अमोनिया पे, राइट। चलो अमोनिया क्या कहता है? प्रिपेरेशन, अमोनिया इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर यूरिया। बायो वालों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, सब नाइट्रोजन साइकिल में यूरिया के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। वो अमोनिया एटमोस्फियर में जाता है, फिर वापस किसी तरह से वो जमीन में आता है। यू हैव लर्न्ड अबाउट दिस। चलो अटेंशन एवरीवन, अटेंशन एवरीवन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? यूरिया इज NH2CONH2। यूरिया इज NH2CONH2। यूरिया क्या है? NH2CONH2। यूरिया जब पानी से रिएक्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू गिव यू अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3। क्या मिलेगा? अमोनियम कार्बोनेट। यूरिया व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स अमोनियम कार्बोनेट फर्स्ट। अमोनियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा इट विल गिव यू 2 mole ऑफ अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
इट गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ यूरिया, तो पता होना चाहिए कि यूरिया पानी से मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाता है जो रिवर्सिबली डिकम्पोज होकर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। पी ब्लॉक में मार्क लाना मतलब बहुत चैलेंजिंग है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, दो दो मार्क में आपको एक एक मार्क के रिएक्शन पूछ लिए जाएंगे, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछेंगे राइट दिस अबाउट राइट रिएक्शन ऑफ दिस विद दिस, लिखो। तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए पी ब्लॉक में अगर स्कोर करना है तो। ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अमोनिया चाहिए यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट विच डीकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कोई भी अमोनिया का सॉल्ट ले सकते हो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और यू कैन टेक अमोनियम सल्फेट, आप कोई भी अमोनिया का सॉल्ट ले लो, अमोनियम क्लोराइड वाला लो या अमोनियम सल्फेट लो। अब ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक है क्योंकि अमोनिया वीक बेस होता है, क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट में आप बेस डाल दो, लेट्स सेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बेस डाल देते हैं NaOH, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट अमोनिया, ये बना लेगा सॉल्ट CaCl2 प्लस यू विल गेट अमोनिया प्लस यू विल गेट वॉटर, राइट। यहां पे क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यू विल गेट सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस अमोनिया प्लस वॉटर दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। तो अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आपको अमोनिया चाहिए राइट, तो आप क्या करोगे, लैब में बहुत सारे अमोनिया के सॉल्ट होते हैं, आपको पता होगा अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट अमोनियम कार्बोनेट, उनके अंदर बेस डाल दो NaOH COH twice एसिड बेस रिएक्शन कराओ, यू विल गेट द अमोनिया इन स्मॉल क्वांटिटी। बट अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया चाहिए सो इन दैट यू हैव टू डू हैव अ प्रोसेस। अब आ जाएंगे इंडस्ट्रियल प्रिपेरेशन ऑफ अमोनिया। ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्या होना है, हैबर प्रोसेस में भी है N2 गैस प्लस H2 गैस, इन दोनों गैस को कंबाइन करके बनाना है 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। इसका एंथाल्पी अभी हमने देखा आगे -46.1 किलो जूल पर मोल। अब बेटा ये देखते हैं कि अगर ये रिएक्शन को आपको यील्ड बढ़ाना है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और अगर आपको इस रिएक्शन का यील्ड बढ़ाना है, अटेंशन एवरीवन, सो लेट्स रिकॉल द ली चैटेलिया प्रिंसिपल व्हिच यू हैव लर्नड इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। सो यू कैन सी हियर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कैसा है ये रिएक्शन, नेगेटिव वैल्यू है मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होता है, बेनिफिशियल होता है हमारे लिए टेम्परेचर शुड बी लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड ले जाना है तो टेम्परेचर कम करेंगे हम, पहली बात। दूसरा चेक करो गैस मॉलिक्यूल यहां पे कितना होगा, इसको आप बैलेंस करेंगे, दिस इज 3, तो बेटा यहां पे कितने गैस है, 4, 3+1=4, यहां पे कितना गैस है, 2। अगर रिएजेंट में गैस ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, राइट। तो यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है बेटा, नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट कितने है, 4, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने है, 2, तो गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहां पे प्रेशर इज इंक्रीज्ड, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पे करोगे, एक तो आप प्रेशर बढ़ा के काम करवाओगे और दूसरा आप टेम्परेचर को घटाओगे। अब टेम्परेचर घटाने से प्रॉब्लम क्या होगा, टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड तो आएगा बट रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन स्लो हो जाएगा, आप वो भी तो एफर्ट नहीं कर सकते, ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए प्लांट को लंबे टाइम तक थोड़ी चालू रख सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल कंडीशन क्या सिलेक्ट किया जाता है, ओवरऑल कंडीशन सिलेक्ट किया जाता है यहां पे प्रेशर ऑफ अबाउट 200 × 10⁵ पास्कल, मतलब 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया जाता है और टेम्परेचर लगाया जाता है करीब 700 केल्विन। कितना टेम्परेचर लगाया जाता है, करीब 700 केल्विन, राइट। देखो ली चैटेलियर तो ऐसा कहता है कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करो, पर लो टेम्परेचर पे करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम इज दैट कंडीशन जहां पे यील्ड कैसा हो, मैक्सिमम। तो अगर ये टेम्परेचर प्रेशर लगाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बना पाओगे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपने हाई प्रेशर क्यों लिया है। चलिए आगे, कैटालिस्ट कौन सा यूज करेंगे बेटा, कैटालिस्ट यूज करेंगे आयरन ऑक्साइड। कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, आयरन ऑक्साइड, दैट इज FeO कैटालिस्ट।
सर इनिशियली स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O भी डालेंगे, Al2O3 भी डालेंगे टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो दोनों है K2O एंड Al2O3, इनका काम है प्रमोटर। क्या करते हैं ये? प्रमोटर। कैटलिस्ट कौन सा है? FeO। और प्रमोटर कौन सा है? K2O एंड Al2O3, ये दोनों प्रमोटर है, राइट? ये आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे इसके बारे में। तो FeO क्या है आपका? कैटलिस्ट। और प्रमोटर कौन है बेटा? K2O और Al2O3। आप थोड़ा समझ लेना इसको, ये क्या लिखा है? प्रमोटर। सारी कंडीशन यहां पे मेंशन कर दी। हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट कौन है? FeO। हेबर प्रोसेस में प्रमोटर कौन है? K2O एंड Al2O3, जो कैटलिस्ट की मदद करता है, राइट? चलिए, नाउ अर्लियर आयरन वॉज यूज एज अ कैटलिस्ट विद मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। तो स्टार्टिंग में बहुत सालों पहले प्रमोटर कौन था? मॉलिब्डेनम था। और कैटलिस्ट कौन था? Fe। अभी नए टेक्नोलॉजी में कैटलिस्ट कौन है? FeO। प्रमोटर इज K2O एंड Al2O3। सारा कंडीशन यहां लिखा है। इसको एक बार प्लांट समझते हैं। प्लांट में क्या हो रहा है देखो, एक तरफ से हाइड्रोजन आया, एक तरफ से नाइट्रोजन आया, दोनों यहां पे कॉम्प्रेस हुए। कितने प्रेशर पे कॉम्प्रेस हुए? 20 मेगा पास्कल। मेगा मतलब 10 पावर 6। तो ये अल्टीमेटली हो गया 20 × 10 पावर 6, दैट इज 200 × 10 पावर 5, राइट? तो आप इसको 20 मेगा पास्कल पे कॉम्प्रेस करोगे। कॉम्प्रेस करके आप इसको चेंबर में जाने दोगे, जहां पर कौन है आपका? आयरन ऑक्साइड Al2O3 K2 है, यहां पर कैटलिस्ट है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। टेम्परेचर कितना है? 700 केल्विन। रिएक्शन ही आपको फ्लो डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, पहले प्रेशर दे दिया, प्रेशर दे के कैटलिस्ट वाले डब्बे में जाने दिया जहां पे 700 केल्विन है। रिएक्शन होगा, उसमें अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा। सारा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचेगा, वो सारा मिक्सचर यहां पे आ गया। लिक्विड अमोनिया को सेपरेट कर लिया, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आया वो वापस यहां से जाएगा पंप थ्रू वापस यहां पे जाएगा कैटलिस्ट के पास। तो बचा हुआ वापस यहां पे कन्वर्ट होगा अमोनिया में, वापस जो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचा होगा वो लूप से वापस इसको डालेंगे पंप से कैटलिस्ट के पास। तो इस तरह से ये अमोनिया प्रोड्यूस होता रहता है। डू यू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एवरीवन? क्लियर एकदम? चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया क्विकली। कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ऑर्डर। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक सॉस रखा था यूट्यूब पे, और वो सॉस में अमोनिया का बॉटल बच्चे स्मेल कर रहे थे। इतनी खराब स्मेल आती है कि आप ले ही नहीं सकते हो, इतनी गंदी स्मेल होती है अमोनिया की, राइट? चलो आगे। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना है? 198.4। ईच एंड एवरी डेटा यू शुड रिमेंबर इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स इन एमसीक्यू व्हाट। ईच एंड एवरी डेटा आपको पता होना चाहिए। अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट है 198.4, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है 239.7। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 239.7। अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो -50 के आजूबाजू होता है ये। सो रूम टेम्परेचर पे अमोनिया कैसा होता है? गैस होता है। रूम टेम्परेचर पे अमोनिया कैसा होता है? गैस होता है। इसलिए जैसे आप अमोनिया की बॉटल खोलोगे ना, सारा अमोनिया उड़ना चालू कर देता है, और थोड़े ही टाइम के अंदर पूरी बॉटल खाली हो जाती है अमोनिया की। वो हाईली वॉलेटाइल है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट खाली 239 है, रूम टेम्परेचर करीब 300 केल्विन होता है। तो बॉटल खोलते ही अमोनिया उड़ने लगता है, राइट? इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दैट अकाउंट्स फॉर द हायर मेल्टिंग एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास। में देखा था अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अमोनिया मोलिक्यूल इज ट्रिगोनल पिरामिडल। ये सिंपल सी बात है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचेगा और 3 हाइड्रोजन आके बॉन्डिंग करेंगे, राइट? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। 1, 2, 3, 4। sp3 का अरेंजमेंट क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट क्या होता है? टेट्राहेड्रल, बट शेप खाली इतना ही होता है। शेप में आपको लोन पेयर देखना नहीं होता है। सो इफ यू सी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप इज ओनली दिस। ऊपर क्यों लाइन करी मैंने? चलो शेप क्या बना बेटा? शेप देखो, शेप इज ट्रायंगुलर पिरामिड। शेप क्या है इसका? ट्रायंगुलर पिरामिड। द शेप इज ट्रायंगुलर पिरामिड। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज ट्रिगोनल पिरामिड। शेप इज ट्रिगोनल पिरामिड, अंडरस्टूड? विद नाइट्रोजन एटम एट द अपेक्स। और यहां पे बॉन्ड लेंथ भी लिखे होंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 101.7 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल है 107.8। क्यों बॉन्ड एंगल कम हुआ? बिकॉज ऑफ अ लोन पेयर। VSEPR प्रिंसिपल लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड एंगल को दबा देगा।
एज पर VSEPR प्रिंसिपल लोन पेयर जो ऊपर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को थोड़ा दबा देता है, राइट। तो आपको चीजें याद रखनी है, यहाँ पे NH बॉन्ड लेंथ कितना है 101.7 पिकोमीटर, एंड जो बॉन्ड एंगल है NHH, दिस बॉन्ड एंगल इज 107.8 डिग्री बिकॉज ऑफ VSEPR। यू कैन राइट लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वॉटर, इजिली डिजोल्व हो जाता है। एक्वियस सोल्यूशन इज वीकली बेसिक, वाई वीकली बेसिक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH- आयंस। लेट्स राइट द रिएक्शन। सो अमोनिया को अगर आप पानी में डालोगे, अमोनिया गैस होता है, जैसे आप अमोनिया को पानी में डालोगे, अमोनिया क्योंकि बेस है, बेस क्या करेगा H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो बेस यहां से H+ को एक्सेप्ट करके खुद क्या बना लेगा NH4+, क्या बना लेगा खुद आपका बेस NH4+ बना लेगा। तो बेस विल फॉर्म NH4+ एक्वियस एंड OH- एक्वियस, इट फॉर्म NH4+ एक्वियस एंड OH- एक्वियस, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड्स। सो अमोनिया को किसी भी एसिड से रिएक्ट करा दो, लेट्स से अमोनिया को रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, क्या सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनिया को रिएक्ट करा दो H2SO4 के साथ, क्या सॉल्ट बना लेगा ये अमोनियम सल्फेट। सो इट फॉर्म दिस सॉल्ट एंड ऑल दिस सॉल्ट्स आर एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि अमोनिया खुद वीक बेस है, तो सॉल्ट का नेचर कैसा बनेगा एसिडिक नेचर। मूविंग फर्दर, एज अ वीक बेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, इट प्रेसिपिटेट्स दी हाइड्रोक्साइड्स। अब जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो ना लैब में, जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो तो आप सेकंड स्टेप में क्या डालते हो NH4OH, फिर एक्सेस अमाउंट में NH4Cl, और NH4OH डालने से प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्यों बनते हैं प्रेसिपिटेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो प्रेसिपिटेट बनने का रीजन है, एज अ वीक बेस इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड इन केस ऑफ सम मेटल ऑफ द मेनी मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल किस किस को ये प्रेसिपिटेट करवाता है, देखना ध्यान से, ये जिंक को प्रेसिपिटेट करवा देता है अगर आपके पास ZnSO4 है, अगर ZnSO4 रिएक्ट करेगा अमोनिया सॉल्यूशन NH4OH के साथ, राइट, और इफ यू हैव FeCl3 उसमें अगर आप NH4OH डालोगे, राइट, व्हाट विल हैपन, दिस विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, किसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2 और अमोनिया खुद क्या बना लेगा SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4। चलो यहां पे Fe क्या बना लेगा FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जुड़ जाएगा किसके साथ Cl के साथ, व्हाट यू विल गेट NH4Cl। नाउ सी व्हाट हैपन, ये जो ZnOH2 है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है मतलब ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, and this is the precipitate of white color. So it is a test for detection of Zn+2 ion. करते हो ना लैब में आप ये सारे टेस्ट, और ये वाला टेस्ट है Fe+3 का। In case of FeOH3, it is give the precipitate of brown color. Right, brown color के PPT बनेंगे, बट ये थोड़े hydrated रहेंगे, तो इसमें साथ में आपको लिखना है plus into लिखेंगे XH2O. It is hydrated, XH2O. राइट, तो यहां पे FeOH3 का भी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन सॉलिड फॉर्म। राइट, तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनिया सॉल्यूशन का यूज क्यों करते हैं, तो क्वालिटेटिव में अगर अमोनिया सॉल्यूशन का यूज करेंगे NH4OH डालेंगे, सपोज जिंक का आयन है, जिंक में NH4OH डालते हैं जिंक क्या बना लेगा ZnOH2, इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जिंक आयन है। सिमिलरली अगर Fe+3 है उसमें भी अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो Fe+3 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते ही FeOH3 बनेगा जो ब्राउन कलर के PPT है, जिससे आप अमोनिया Fe+3 आयन को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑन द अमोनिया मोलिक्यूल मेक्स इट लुईस बेस। कैसा है नेचर में ये लुईस बेस, व्हाई लुईस बेस, सो वी हैव सीन द अमोनिया लाइक दिस NH3, राइट, और अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर जब भी होता है वो लोन पेयर डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं लुईस बेस,
जो लोन पे डोनेट करते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, लुईस बेस होते हैं, तो ये अमोनिया किसी और के साथ लिंक हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, जैसे कि सीयू प्लस टू, एजी प्लस, राइट। तो ये दिस विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिससे आप इन आयन को भी डिटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इफ यू हैव कॉपर प्लस टू आयन, कॉपर प्लस टू का कलर क्या होता है? ब्लू कलर। कॉपर प्लस टू किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, राइट। कॉपर के सारे सॉल्यूशन ब्लू होते हैं। अब जैसे उसके अंदर अमोनिया डालोगे, क्या डालेंगे इसके अंदर? अमोनिया। बेटा ये पॉजिटिव आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, अमोनिया के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कॉपर प्लस टू को देगा और उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा डीप ब्लू कलर का। इट विल फॉर्म सीओ एनएच थ्री, इट विल फॉर्म सी यू एन एच थ्री फोर प्लस टू एक्वियस, जो डीप ब्लू कलर का है। मतलब जो कॉपर का ब्लू कलर था सोल्यूशन का, जैसे ही कॉपर के सॉल्यूशन में आप अमोनिया डालोगे, अमोनिया क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? इस कॉपर को देगा और उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा सी यू एन एच थ्री फोर प्लस टू। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एकदम डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है। तो अमोनिया का ब्लू कलर, सॉरी कॉपर का ब्लू कलर अमोनिया डालते ही एकदम डार्क ब्लू बन जाएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉपर आयन 100% प्रेजेंट है ही है। चलिए, इसके बाद है एजी प्लस। एजी प्लस का जो सॉल्ट होता है वो कलरलेस होता है। अब जैसे ही उसमें अमोनिया डालोगे, एजी प्लस कैसा होता है? कलरलेस। जैसे ही अमोनिया डालोगे, अमोनिया अपना लोन पेयर एजी को देगा एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाला है यहां पे AgCl, जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा व्हाइट कलर का। इट विल गिव यू द प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर। एक मिनट, ये क्या लिख दिया? पहले एजी में सीएल डालेंगे, इट विल फॉर्म व्हाइट कलर पीपीटी AgCl। अब ये AgCl में डालना है अमोनिया। क्या डालना है AgCl में? अमोनिया डालना है। AgCl में अमोनिया डालते ही इट विल फॉर्म AgNH3। चले, कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पे AgNH3 ट्वाइस Cl और ये वापस कैसा हो जाएगा? कलरलेस। देयर इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विच आयन? Ag+, राइट। सो कॉपर हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई कॉपर इज लुईस बेस। कॉपर कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच विल हेल्प यू टू डिटेक्ट दैट मेटल आयन। जैसे कि कॉपर प्लस टू का कोई भी सॉल्यूशन है, अमोनिया डालेंगे, ब्लू विल बिकम डीप ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 4 प्लस टू आयन। इसे कहते हैं टेट्रा अमाइन कॉपर प्लस टू। आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, चैप्टर नंबर 9 में। सिमिलरली अगर Ag+ का कोई भी सॉल्ट है, उसमें कुछ भी Cl का डालो, HCl डालोगे, व्हाइट पीपीटी बनेंगे AgCl के। इस AgCl के पीपीटी में अमोनिया डालते ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा AgNH3 ट्वाइस Cl एंड दैट इज अगेन कलरलेस। ओके, अब ये सारे टेस्ट आपको ऐसे पूछे जाते हैं, राइट द रिएक्शन बिटवीन कॉपर प्लस टू एंड अमोनिया। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में कि क्या रिएक्शन था कॉपर प्लस टू और अमोनिया का, राइट द रिएक्शन बिटवीन डिटेक्शन ऑफ Ag+। इतने बड़े केमिस्ट्री में से ऐसा पूछा जाएगा, राइट द रिएक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ Ag+। तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि हाँ, Ag+ का डिटेक्शन मतलब पार्ट वन में हाँ, चैप्टर नंबर 7 में था, पी ब्लॉक में भी हाँ, ग्रुप नंबर 15 में था, ग्रुप नंबर 15 में भी हाँ, अमोनिया में था, अमोनिया के भी केमिकल प्रॉपर्टी में था, एंड इट वॉज Ag+Cl- डालते AgCl बनेगा व्हाइट पीपीटी, AgCl में अमोनिया डालते ही AgNH3 ट्वाइस Cl बनेगा जो कलरलेस है। तो इतना प्रॉपर तुम्हें नॉलेज होना चाहिए और ये तभी आएगा जब आप इन चैप्टर को बहुत बार रिवाइज करोगे, बहुत बार आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। चलो अमोनिया का यूजेस देखते हैं फटाफट। इट प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थिंग नाइट्रिक एसिड। आप देखोगे नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम अमोनिया को यूज करने वाले हैं। ओके, लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, वो क्रायो सर्जरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो सर्जरी में। वाई डस अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस? क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। लुईस बेस क्यों है बेटा अमोनिया? क्योंकि अमोनिया के स्ट्रक्चर में अमोनिया के पास एक लोन पेयर है जो अमोनिया किसी और को डोनेट कर सकता है। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया।
बोलो प्रेशर कितना था? 200 एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर क्या था? नियरली 70 एंड 700 केल्विन. कैटलिस्ट कौन सा था? FeO. एंड प्रमोटर कौन था? K2O और Al2O3. ये प्रमोटर था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर प्लस 2? ऐसे क्वेश्चन आएंगे. सो कॉपर प्लस 2 जो ब्लू कलर का है, अमोनिया डालते ही अमोनिया क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कॉपर के साथ देके उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा CuNH3O4 प्लस 2 एंड दैट इज ऑफ विच कलर? डीप ब्लू कलर. ठीक आया ना ऐसा क्वेश्चन? ऐसा कुछ भी आ सकता है इस चैप्टर में से. इट इज ऑफ डीप ब्लू, राइट? ऐसे चैप्टर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आगे ऐसा नहीं होता. ऐसे चैप्टर डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे तब भी आपको अच्छे मार्क इस चैप्टर में मिलेंगे, राइट? ऐसे चैप्टर ऊपर ऊपर से सीखने से कुछ नहीं आना आपको. ओके चलिए, और कुछ है इसमें? अमोनिया में नहीं है. वी विल हैव अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, बहुत कुछ आने वाला है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में. चलिए आ जाइए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. बहुत सारे ऑक्साइड के नाइट्रोजन है. टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टू टेबल्स. टेक्स्ट बुक में आपको ये दो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ. मुझे पता है टेबल होता है तो आपको तो ऐसा लगता है टेबल में से कुछ नहीं आता है कभी भी. आपको टेबल देखने हो नहीं कभी, बट ऐसा नहीं है. इस टेबल में से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. मल्टीपल ऑक्साइड बनने वाला है बेटा. सबसे पहला ऑक्साइड बनेगा N2O. कौन सा ऑक्साइड है सबसे पहला बेटा? N2O. N2O का नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. क्या नाम है इसका? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. चलो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितना होगा? +1, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? -2. तो दो नाइट्रोजन मिला के +2, तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? +1. तो इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन वन ऑक्साइड. क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन वन ऑक्साइड. क्या कहेंगे इसे हम? नाइट्रोजन वन ऑक्साइड. इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन वन ऑक्साइड. चलो नाइट्रोजन वन ऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो इसे प्रिपेयर करने का मेथड है बाय डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करो. अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते ही डीकंपोज होकर बनेगा N2O प्लस 2H2O. इट इज ऑब्टेन बाय डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. चलिए प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी है कलरलेस गैस एंड इट इज केमिकली न्यूट्रल. इट इज कलरलेस गैस एंड इट इज केमिकली न्यूट्रल. कलरलेस गैस है, केमिकली न्यूट्रल है. इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लेट्स सी द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ इट N2O. राइट, लुईस स्ट्रक्चर 11th में आता था केमिकल बॉन्डिंग में. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा नाइट्रोजन के 5 वैलेंस होते हैं. दो नाइट्रोजन को मिला के 10 वैलेंस होंगे. ऑक्सीजन के 6 वैलेंस होते हैं. टोटल आपके पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अरेंज कैसे करना है आपको? पहले ऐसे अरेंज कर देना है, राइट? ये हो गया आपका N2O है ना, सॉरी यू हैव N2O, राइट? अब रूल के हिसाब से पहले सिंगल बॉन्ड डाल देना है. एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? आगे बढ़ेंगे यहां पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट. बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये नाइट्रोजन का वैलेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. 16 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है? ये नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे कराएंगे? बाय शेयरिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स. दो चॉइस है आपके पास. रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे. आप एक इलेक्ट्रॉन पर यहां से शेयर कराओ, एक इलेक्ट्रॉन पर यहां से शेयर कराओ. इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 4 ही है उसके पास. 4 चाहिए, इसका मतलब 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे. एक बॉन्ड यहां से बनाओ, एक बॉन्ड यहां से बनाओ. व्हाट विल इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक यहां पे बना बॉन्ड, यहां पे बना बॉन्ड. या फिर आप ऐसे कर सकते हो, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड तक बना सकता है. तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन को आप मत छेड़ो, ऑक्सीजन को एज इट इज रखो. ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ही बनाओ. यहां पे जो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से आप 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करा के ट्रिपल बॉन्ड यहां बना सकते हो. क्या बना सकते हो यहां पे आप? ट्रिपल बॉन्ड. यू कैन डू इट लाइक दिस आल्सो. तो ये हो गए आपके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. अंडरस्टूड? तो ऐसे ऐसी चीजें होती है. अब मैं ना समझा तुमको समझ में आएगा? ये जा जा.
चलो इसके बॉन्ड लेंथ लिखो और शेप लिखो. तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, एन एन ओ. क्या शेप है इसका? लीनियर. क्या शेप है भाई इसका? लीनियर. एंड बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन 113 पिकोमीटर है. अलग कलर यूज करते हैं ना. चलो नाइट्रोजन नाइट्रोजन 113 पिकोमीटर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 119 पिकोमीटर है. तो ये हो गया पहला ऑक्साइड. कौन सा है? N2O. कौन सा ऑक्साइड करा हमने? N2O करा, दैट इज नाइट्रोजन वन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. अब दूसरा ऑक्साइड करेंगे एंड द सेकंड ऑक्साइड इज NO. NO इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन टू ऑक्साइड. बहुत सारे ऑक्साइड है, सेकंड है NO. NO में नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा बताओ? प्लस टू, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है ना. क्या हो जाएगा ये? प्लस टू, राइट. NO इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन वन ऑक्साइड और इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड. तीन नाम है बेटा इसके. इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस चैप्टर में जरूरत से ज्यादा डिटेल दिया हुआ है सारा. इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन वन ऑक्साइड बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वन है. नाइट्रोजन वन ऑक्साइड या इसका एक और नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड. चलिए कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे वो देख लेते हैं. सो मैथड ऑफ प्रिपेरेशन, इट इज प्रिपेयर बाई रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस FeSO4 प्लस H2SO4. सोडियम नाइट्राइट प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 रिएक्शन से बनेगा फेरस सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस. फेरस सल्फेट प्लस बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस बनेगा आपको जो चाहिए वो NO प्लस बनेगा H2O. बोलो इतना सा रिएक्शन है. क्या मिक्स करेंगे? सोडियम नाइट्राइट में FeSO4 H2SO4, राइट. Fe क्या बना लेगा? Fe2SO4 थ्राइस ऑक्सीडाइज हो गया. ये बनाएगा NaHSO4 एंड ये नाइट्रो ऑक्साइड होके ऑक्सीजन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? NO बन जाएगा. बारीक या छोटी छोटी, राइट. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसको बैलेंस अगर करना है तो यू कैन पुट 2 2 3. रिमेंबर इट लाइक दिस, इट इज 2 2 3. अब ये 2 हुआ, 2 हो चुका ऑलरेडी. सोडियम 2 है, 2 डाल दो यहाँ पे. नाइट्रोजन कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 कर दो, राइट. वाटर गिन लेना आराम से बैठ के. वाटर आएगा आपका 2 मोल. चलो प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी. प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल. इट इज ऑल्सो कलरलेस गैस एंड इट इज ऑल्सो न्यूट्रल. नॉर्मली नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक. बट तीन ऐसे ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है, CO, NO एंड N2O. तीन ऐसे ऑक्साइड है जो न्यूट्रल एंड दिस आर CO, NO एंड N2O. CO, NO एंड N2O, दिस थ्री ऑक्साइड्स आर लाइक केमिकली न्यूट्रल. चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बनेगा NO का. ओके, सो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6. दो ही एटम है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन. पहले सिंगल बॉन्ड डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किसका वैलेंस कंप्लीट नहीं हुआ? नाइट्रोजन का. क्या करेंगे? एक और इलेक्ट्रॉन पैर ऑक्सीजन के पास आपको शेयरिंग में लेना पड़ेगा. चलिए एक और इलेक्ट्रॉन पैर आप ऑक्सीजन के पास शेयरिंग में लो. एक और इलेक्ट्रॉन पैर शेयरिंग में ले लो, क्या हो जाएगा? यहां से इसको शेयर कराते हैं, यहां पे क्या बन जाना है? डबल बॉन्ड. या फिर आप एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो जहां पे आप आपका स्ट्रक्चर ऐसे बना था, राइट. ऐसे बना था आपका स्ट्रक्चर. तो एक और स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन, ये डबल कैसे हो गया पहले से? चलो आप क्या कर सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयर कराओ, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर कराओ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक ये नाइट्रोजन का शेयर करेंगे, एक ऑक्सीजन का शेयर करेंगे, राइट. एंड वी आर गोइंग टू गेट द डबल बॉन्ड. तो ये दो चॉइस है आपके पास NO के स्ट्रक्चर में. चलिए NO का बॉन्ड लेंथ होता है 115 पिकोमीटर. नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 115 पिकोमीटर इन NO. तो ये नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड हुआ NO. अब आ जाओ नाइट्रोजन के तीसरे ऑक्साइड के ऊपर. एक बात और याद रखनी है आपको, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, देखो यहां भी एक अकेला है, यहां भी 5 है, एक अकेला है,
So this is odd electron. Okay. So the third oxide is nitrogen. It is dinitrogen trioxide N2O3. बेटा जिंदा रहना सवार तक N2O3। चलो यहां पे नाइट्रोजन का स्टेट क्या बनेगा? +3। क्या बनेगा नाइट्रोजन का स्टेट? +3। चलिए क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इट इज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, या इसे हम लिखेंगे नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। इट कैन बी रिटन एज नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, रोमन में भी लिख सकते हो आप। चलो इसके आप मेथड ऑफ प्रिपेरेशन देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ NO विद N2O4। किसके साथ रिएक्ट करना है? NO को रिएक्ट करना है विद N2O4 एट टेम्परेचर ऑफ 250 केल्विन। व्हाट विल इट गिव? इट विल गिव यू 2 मोल ऑफ N2O3। चलिए इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज ब्लू कलर सॉलिड। आया नई नई चीज है। इट इज ब्लू कलर सॉलिड, पहले दो गैस थे। कैसा है ये? ब्लू कलर सॉलिड एंड इट इज एसिडिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर का सॉलिड कौन होता है? N2O3। इट इज ब्लू कलर सॉलिड N2O3। चलिए ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा बनेगा N2O3। ध्यान से देखना कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलोगे कुछ? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5। 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के होते हैं 6। 10 और 18 कितने इलेक्ट्रॉन है? 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अरेंजमेंट कर लो, पहले N2O3 में 2 NN साथ में रहेंगे, O3 आपको ऐसे रखना है। पहले सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6। किसी भी एक को आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, दो बचे हैं। किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है वो बताओ। एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं प्यार से, लेट्स गिव इट टू हिम। चलिए किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है वो बताओ। दोनों नाइट्रोजन का नहीं हुआ है, दोनों का नहीं हुआ है ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6। क्या करेंगे? इसको बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर, कर दिया। इसके पास कितने? 2 4 6। यहां भी ऑक्सीजन को बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला शेयर करेगा और ये नहीं करेगा, तो एक और इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, दैट इज N, जहां पे इधर सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज, राइट। यहां पे 6 रहेंगे और यहां पे शेयर हुआ 4 हो गए। चलो इसके बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स देखते हैं बेटा। देखो आप बहुत प्रो लेवल पे तैयारी कर रहे हो ना, प्रो लेवल पे, तब जाके इन चीजों का हाथ लगाना प्रो लेवल पे। नहीं आपको अगर हेनरीज लॉ नहीं आ रहा है, रॉल्स लॉ नहीं आ रहा है, तो खाली खाली ना इसको पढ़ने की एक्टिंग मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। तुम्हें तो लगेगा कि मैं कितना खतरनाक तैयारी कर रहा हूं। चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। चलो जाने यहां पे, ओके अटेंशन एवरीवन, दिस इज 105 डिग्री। चलो अलग कलर लेते हैं। दिस इज 105 डिग्री, ये 130 है। ओके बॉन्ड लेंथ देखते हैं, तो ये 121 है ये वाला। नाइट्रोजन नाइट्रोजन है 186, और वो कोने वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन है 114। कितना इजी है ना, ऐसे याद हो जाएगा सब कुछ चुटकी बजा के। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर N2O3 का। अभी 3 खत्म हुए, 3 बाकी। नेक्स्ट ऑक्साइड इज NO2। चलो नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट ऑक्साइड है NO2। चल बोल, यहां पे नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा? +4। NO2 में नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा बेटा? +4। चल इसका नाम बता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
यही से हम लिखेंगे, यही से हम लिखेंगे नाइट्रोजन फोर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना नाइट्रोजन का फोर है, इसे हम लिखेंगे नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का स्टेट फोर है। चलिए इसका मेथड ऑफ प्रिपेरेशन लिखते हैं। तो मुझे पता है तुमको नहीं मजा आ रहा है, तो मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा है, दे दूं होमवर्क में। चलो लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करो एट, बेटा यहां पे 250 वहां पे डिकम्पोज करेंगे 673 पे। चले मूवन धान यहां पे, मैं तो थैला लेकर निकलो इधर से, थैला लेके निकलो इधर से, जाना है किसी को? मैं आंख बंद करता हूं, एक मिनट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है? मैं एक मिनट के लिए आंख बंद करूंगा, जिसको जाना है चला जाओ। एक मिनट खत्म हो जाएगा अभी, एक मिनट अभी खत्म हो जाएगा। टाइम अप, बस अब चुपचाप बैठना, अब चुपचाप बैठना, अभी किसी का भी मुंह खुला है ना तो मैं मार के भगाऊंगा यहां से, समझे ना? चलो ध्यान यहां पे, इफ वी गिव यू द गैसेस NO2 प्लस लेड ऑक्साइड प्लस O2। चलिए इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। NO2 इज ब्राउन कलर गैस एंड इट इज एसिडिक। NO2 कैसा होता है? ब्राउन कलर का गैस होता है, और ये कैसा होता है? ये भी होता है नेचर में एसिडिक। पहले दो ही न्यूट्रल थे N2O एंड NO, न्यूट्रल दोनों कलरलेस गैस थे। N2O3 ब्लू कलर का सॉलिड था, NO2 क्या है? ब्राउन कलर का गैस है, जो नेचर में कैसा है? एसिडिक है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते, ठीक है, NO2 का। चलो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ, NO2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के कितने? 5, दो ऑक्सीजन के मिला के 12, कितने हो गए? 17। यू विल अरेंज NO2 लाइक दिस, NO2 पहले बना लो सिंगल बॉन्ड, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करवाना पड़ेगा। कितना भी शेयर करवा लो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही नहीं है, साथ ही बचेंगे उसके पास, कुछ भी कर लो, 8 तो होना ही नहीं है। एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जहां पे आप डबल बॉन्ड का खाली पोजीशन चेंज करके यहां पे ले लोगे, और इधर आप 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखोगे। तो यहां पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और इसीलिए दो NO2 यूनिट्स, इसीलिए दो NO2 यूनिट्स आपस में जुड़ के डाइमर बना लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन कहां चला गया, ये ना, नाइट्रोजन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज व्हाई इट विल डाइमराइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल डाइमराइज टू फॉर्म N2O4। दो नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, दो नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू डाइमराइज, दिस विल डाइमराइज टू N2O4। दो NO2 यूनिट आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड डबल हो जाएगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के, सिंगल इलेक्ट्रॉन डबल होके बॉन्ड बना लेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, NO2 का बॉन्ड एंगल लिख देते हैं। NO2 हैज अ बॉन्ड एंगल ऑफ 134, बॉन्ड एंगल ऑफ 134 एंड बॉन्ड लेंथ, एंड द बॉन्ड लेंथ इज 120 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ इज 120 पिकोमीटर। किसका बनाइए? NO2। चलिए अभी हमने कहा कि डाइमराइज होगा, तो नेक्स्ट इज अ डाइमराइज फॉर्म N2O4, नेक्स्ट इज इट्स डाइमराइज फॉर्म, एंड डाइमराइज फॉर्म कौन सा है इसका? N2O4, राइट। यहां भी आपका नाइट्रोजन प्लस फोर स्टेट में ही है, नाइट्रोजन यहां भी प्लस फोर स्टेट में ही है। इसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? डाई नाइट्रोजन N2, टेट्रो मतलब फोर, टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ऐसे हम कहेंगे नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड, बिकॉज नाइट्रोजन फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलिए इसका प्रिपेरेशन लिखते हैं, प्रिपेरेशन बहुत सिंपल सा है। NO2 को डाइमराइज करना है आपको,
तो जो एनओ टू गैस है उसको ठंडा करो, दो एनओ टू यूनिट जुड़ के बना लेंगे एन टू ओ फोर, गर्म करोगे वापस टूट जाएगा, गर्म करेंगे तो वापस दोनों एनओ टू अलग हो जाएंगे ऑन हीटिंग इट। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कलरलेस सॉलिड है और लिक्विड है, इट इज कलरलेस सॉलिड और अ कलरलेस लिक्विड एंड इट इज ऑल्सो एसिडिक, इट इज ऑल्सो एसिडिक। मेरे घूमते ही चुप हो जाते हो ना तुम लोग, तुमको पता नहीं मैं जब चाहूं तुमको पकड़ सकता हूं, वो तुमको सब देख रहा है, एकदम एचडी कैमरा है ये। मैं अभी बाहर जाके बोल दूंगा ना विशाल सर को कि बेटा खाली ध्यान रखना और फिर हमको बताओ अंदर आके क्या हो रहा है, मारे जाओगे ठीक है ना। ऊपर वाला सब देख रहा है, ये ऊपर वाला भी सब देख रहा है, वो ऊपर वाला भी सब देख रहा है, और वो ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती बट मार बहुत होती है पता है ना, और उसकी लाठी जब पड़ेगी ना बेटा एग्जाम के बाद उसकी लाठी जब पड़ेगी ना तो आवाज नहीं आएगी तुम्हारे मुंह से, अकेले में ना सिसक सिसक के रहोगे कोने में जाके, है ना। पढ़ लो ऐसे टॉपिक्स ना तुम्हारे यारों दोस्तों की नोट्स में देख लेना, कहीं वहां जाते हो ना कुछ नहीं कराते होंगे, भगा देते होंगे सब कुछ, टेबल वेबल है टेबल में से कुछ नहीं आता ऐसे बोल के, बट ये टेबल में से आपको इंडिविजुअल ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में, तो 110% इस टेबल में से एक एमसीक्यू आएगा राइट। सो एक एक मार्क के लिए लड़ाई है यहाँ पे। चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमें क्या करना है वही एनओ टू बनाना है, उसमें खाली दो यूनिट साथ में जोड़ लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे दो रेजोनेंस बनेंगे बेटा, अब मैं यहाँ पे लोन पेन नहीं रखूंगा, एक स्ट्रक्चर में आप दोनों डबल बॉन्ड को एक तरफ रखो और दूसरे में आप क्या करोगे डबल बॉन्ड को अपोजिट साइड पे रखोगे, तो ये हो गया इसके दोनों स्ट्रक्चर्स। चलिए इसका शेप कैसा होगा, तो इट इज प्लैनर मॉलिक्यूल, इसका शेप कैसा है बेटा प्लैनर मॉलिक्यूल है, इसके बॉन्ड एंगल लिखते हैं चलो, एन एन ओ ओ ओ ओ, चलो बॉन्ड एंगल्स 135, ये वाला बॉन्ड एंगल है 135 डिग्री, एन एन बॉन्ड लेंथ 175 पिकोमीटर, एन एन ओ बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर, एन ओ बॉन्ड लेंथ इज 121 पिकोमीटर राइट, एंड दिस इज प्लैनर मॉलिक्यूल। चलो लास्ट ऑक्साइड N2O5, पता नहीं किसकी बुक है इसमें ऐसा लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट N2O5 कौन से स्टेट में है, +5, क्या नाम होगा इसका, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, या इसे लिखेंगे नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, या इसे हम लिखेंगे नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। चलिए इसका प्रिपेरेशन कैसे करेंगे, तो बेटा इसके प्रिपेरेशन के लिए हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड का P4O10 के साथ, ये सिंपल है याद रखना, नाइट्रिक एसिड में डालेंगे P4O10, नाइट्रिक एसिड में डालेंगे P4O10, प्रोडक्ट बनेगा HPO3, फॉस्फिनिक एसिड कहते हैं इसको, और दूसरा प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो दैट इज N2O5 राइट। चलो इसका बॉन्ड यहां पे बैलेंसिंग में होगा 4-2, यहां पे हो जाएगा आपका 4, ये P4 है ना यहां पे 4 रखो, बाकी बैलेंसिंग अपने आप आके चलेगा फिर ठीक है। यहाँ पे आप P4 है तो यहाँ पे आप 4 रखोगे, H4 हो गया यहाँ पे 4 रख दो, नाइट्रोजन 4 हो गया वहां पे 2 रख दो, अपना बैलेंस हो जाएगा राइट। इट इज ऑल्सो कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक, ब्लू कलर वाला सॉलिड खास याद रखना, कौन सा था ब्लू कलर में, N2O3, ये भी कलरलेस सॉलिड है, N2O4 भी कलरलेस सॉलिड भी था या कलरलेस लिक्विड हो सकता है राइट। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एट द एंड, तो बेटा यही सेम स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, N2O5 है ना, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना है, दो एन के बीच में यहां पे वो लगा देना है राइट, बाकी वैलेंस बैलेंस आप गिन लेना, मैं खाली स्ट्रक्चर बनाऊंगा डायरेक्टली, ये एन एन दो वो यहां पे होंगे, एक वो यहां बीच में होगा जो सिंगल बॉन्डेड होगा। अब आप दोनों डबल बॉन्ड या दोनों एक तरफ रखो या फिर आप डबल बॉन्ड को अपोजिट प्लेन में रखो, दैट इज योर चॉइस। तो एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एक तरफ, दूसरे में डबल बॉन्ड सामने सामने,
बाकी लोन पैर आप सेट कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसका भर चुका है सारा यहाँ पे, 4 इसका सारा भर चुका है, 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सेम यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना है, 6 बचे होंगे, यहाँ पे 4 बचे होंगे, यहाँ 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने, 2 बचे होंगे, यहाँ 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 3 पैर होगी, यहाँ पे 2 पैर होगी, राइट। चलो इसका बॉन्ड बॉन्ड डायमेंशंस देखते हैं सारा, एन ओ एन ओ ओ ओ ओ। चलो बॉन्ड एंगल्स 112, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 112 और यहाँ का बॉन्ड एंगल है 134, इसके बहुत पास है, इसमें भी 135 है, इसमें 134 है, ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। बॉन्ड लेंथ ये 119 पिकोमीटर, राइट। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 151, ये बीच वाला 151 पिकोमीटर है, साइड वाला 119 पिकोमीटर है। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने से ऑक्साइड है, 6 ऑक्साइड थे। चलो एक बार आप रिवाइज करोगे सारे ऑक्साइड्स को, इससे पहले हम इसको करेंगे सेव, और कल ना नोट्स लिखे बिना एक भी बच्चा क्लास में एंट्री नहीं होगा, ध्यान रखना, मुझे ये पूरा कंप्लीट चाहिए, राइट। आज आपको थियरी लिखने दिया था ना, आज की थियरी लिख दी आपने, कितने लोगों ने लिखी थियरी, ग्रुप में थियरी आई थी ना 4, कितने लोगों ने लिखी, वैसे दोनों क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं आई थी, तो स्पेशल इन्विटेशन देना है लिख के, तुमको हॉस्पिटल ही चले जाना है बार बार, कुछ भी हो मतलब हॉस्पिटल, वहां पीछे किसने नहीं लिखा है थियरी, ओके आज का थियरी मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, केमिस्ट्री चल रहा है ना अभी, आज कौन सा थियरी था, हाँ ओके चलो आज के थियरी में आज ग्रुप में डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दो, चलो आज के थियरी लिखो, नोट डाउन थियरी,
Okay. On a large scale, it is prepared by the Oswald's process. Very, very, very important. कौन सा प्रोसेस है? Oswald's process. क्या करना है Oswald process में? आपको अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है. Oswald process में क्या करना है आपको? अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है. This method is based upon the catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. तो Oswald process में आपको सिर्फ और सिर्फ अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना है. चलो, so ammonia is NH3. अमोनिया इज NH3. ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या लेंगे? एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन. कैटालिटिक लिखा है तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करना है बेटा? यहां पे कैटालिस्ट यूज करना है आपको प्लेटिनम रोडियम गेज. प्लेटिनम रोडियम गेज आपको यूज करना है. टेम्परेचर है 500 केल्विन एंड प्रेशर है 9 बार. बेटा कुछ भी करो ये पूरा याद होना चाहिए. ये अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर बनेगा NO प्लस, यू विल गेट H2O. दिस रिएक्शन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया विल ऑक्सीडाइज इन द अमोनिया को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे. और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने से क्या बनेगा? NO बनेगा. NO अपने आप ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनेगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पूरा मेथड क्लियर है? कैटालिस्ट कौन सा है? प्लेटिनम रोडियम गेज, 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर. इज इट क्लियर? वीडियो समझ में आया? हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. NO जो बना है इस रिएक्शन में, NO बना, उस NO का वापस यूज करो. तो ये NO वापस रीयूज होता है. NO फॉर्म इज रीसाइकल एंड द एक्वियस नाइट्रिक एसिड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाई. अब नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट करके कहां तक डिस्टिल कर सकते हैं? यू कैन डिस्टिल इट अप टू 68%. लेबोरेटरी में भी जो नाइट्रिक एसिड का बोतल होता है वो 68% होता है, क्योंकि 68% पे आपका नाइट्रिक एसिड एज़ियोट्रॉप बन जाता है. याद है एज़ियोट्रॉप, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तो 68% कॉन्सेंट्रेशन के बाद नाइट्रिक एसिड एज़ियोट्रॉप बन जाता है, मतलब फिर आप उसको पानी में से डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए लेबोरेटरी ग्रेड में आपको 68% नाइट्रिक एसिड मिलता है. अगर उसको और कॉन्सेंट्रेट करना है तो क्या करेंगे? और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं 98 तक. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बचे हुए पानी को उड़ाना पड़ेगा भाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. बाकी नॉर्मल डिस्टिलेशन से आप 68% तक पहुंच सकते हो. 68 के बाद वो एज़ियोट्रॉप हो जाएगा, फिर आप उसको और ज्यादा सेपरेट नहीं कर सकते. तो क्या राइट ईयर एज़ियोट्रॉप 68% वेट बाय वेट एक्वियस HNO3 क्या है? एज़ियोट्रॉप है.
एंड एज़ियोट्रॉप इज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, उसको आप डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हो। चलिए प्रॉपर्टीज बहुत सारे इसके, दो स्लाइड भर के प्रॉपर्टी है, ब्राउनिंग टेस्ट ऑल्सो कंप्लीट तो आज ही करेंगे, चॉइस तो है ही नहीं। चलो समान का टाइम बोला था, अभी 10-12 मिनट बाकी है, चलो चुपचाप बैठना। ग्लोबल 30 सेकंड आंख बंद करता हूँ, कोई जा रही से हिम्मत है नहीं। चलो प्रॉपर्टीज, लाइटिंग ऐसे कलरलेस लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4, बॉइलिंग पॉइंट 355.6, याद रखना है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रिक एसिड कलरलेस लिक्विड है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4, बॉइलिंग पॉइंट करीब 355 के आजू बाजू है। 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504, तो लैब में जो आपको 68% वाला मिलेगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी 1.504। लैब में जो आपको 68% नाइट्रिक एसिड मिलेगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उसकी डेंसिटी होने वाली है 1.504 ग्राम पर लीटर, केजी पर लीटर। इन द गैसियस स्टेट HNO3 एक्सिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। HNO3 कैसा होता है, प्लेनर होता है। चलो कैसा दिखेगा वो प्लेनर मॉलिक्यूल, लेट्स सी। तो ये हो गया नाइट्रोजन, जिसके तीनों तरफ होगा ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ होगा हाइड्रोजन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, नाइट्रोजन के आजू बाजू तीन ऑक्सीजन और साथ में एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल लिखते हैं, OH बॉन्ड है 102 डिग्री, OH बॉन्ड 102 डिग्री, OH बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, NO बॉन्ड लेंथ 140.6 पिकोमीटर। ये सब डेटा याद रखना है आपको, ऐसा भी पूछ सकते हैं 2 मार्क में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, आपको सारे डेटा याद होने चाहिए। बाहर वाले NO का है 120 पिकोमीटर और ये बॉन्ड लेंथ है 130। अब बस एक बार OH का बॉन्ड एंगल, OH का बॉन्ड एंगल 102, ONO का बॉन्ड एंगल 130, बाहर वाले NO बॉन्ड 121, यहां वाले बॉन्ड एंगल थोड़े बड़े हैं 140.6 है, एंड OH बॉन्ड लेंथ है 96। दिस स्ट्रक्चर इज प्लैनर, कैसा ये स्ट्रक्चर प्लैनर है। चलो इन एक्वियस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल गिव यू द हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। वेरी सिंपल, अगर नाइट्रिक एसिड को पानी में डालोगे क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड अपना एच पानी को देगा, खुद क्या बनाएगा NO3- और पानी क्या बन जाएगा H3O+, क्या बन जाएगा पानी, पानी बन जाएगा H3O+, राइट। टीचिंग तो बहुत मुश्किल है, बता बहुत मुश्किल है, टीचर मत बनना लाइक है। मैं 3 बजे का नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं, नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक। ऐसी और कोई जॉब है, ऐसा और कोई काम है जिसमें आपको ऐसे 5-5-6-6 घंटे तक नॉन स्टॉप काम ही करते रहना पड़े। बच्चे कोडिंग वाले को बीच में ब्रेक मिल जाता है, बेटा इतना भी खतरनाक नहीं होता, वो भी 1-1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और उनका मेन क्या, उनका जॉब 8 घंटे का ही होता है, कोडिंग वालों का जॉब 8 घंटे का ही होता है। मेरा ड्यूटी सुबह 7 बजे का चालू हुआ है, 13 घंटे खत्म हो गया क्योंकि चल ही रहा है। चलिए कोई नहीं, शायद मैसेज होगा। नेक्स्ट नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड टॉपिक, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये नाइट्रिक एसिड मेजॉरिटी ऑफ द मेटल के ऊपर अटैक करके उनको ऑक्सीडाइज करेगा, एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड प्लैटिनम पर कोई अटैक नहीं करता है, बाकी नाइट्रिक एसिड सब पे अटैक करेगा। अभी स्प्रिंट क्यों निकाला बेटा इसका, अभी निकाला, एडिट भी नहीं करा सर, नहीं वही प्रिंट है, मैं जैसे देख के बता सकता हूँ, एडिट भी नहीं करा, वो प्रिंट निकाल के लाया। चलो व्हाई नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिसन, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में आपका जो नाइट्रोजन है ना वो +5 स्टेट में,
नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम स्टेट में है भाई, नाइट्रोजन प्लस 5 स्टेट में है, तो नाइट्रोजन को खुद अपना स्टेट घटा के रिड्यूस होना है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन खुद यहाँ पे प्लस 5 स्टेट में, तो उसका मैक्सिमम स्टेट है, तो नाइट्रोजन खुद का स्टेट घटाएगा, सामने वाले का स्टेट बढ़ाएगा, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और नाइट्रिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, राइट? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड एज वेल एज टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड, इफ यू राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, अगर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, देखना कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये नाइट्रिक एसिड मेरा कॉन्सेंट्रेटेड है, वही कॉपर का अगर आप रिएक्शन कराओगे नाइट्रिक एसिड के साथ जो डाइल्यूट है, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। मुझे एक स्लाइड थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, दो रिएक्शन देखना। अटेंशन एवरीवन, प्लीज, कॉपर में डालेंगे नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, और वही कॉपर में डालेंगे नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट। देखो दोनों में कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर दोनों में बनना है कॉपर नाइट्रेट, CONO3 twice, दोनों में कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। अब जो दूसरा प्रोडक्ट होगा ना, कि NO3 का क्या बना, दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर डाइल्यूट है तो NO3 भी बिकम NO ओनली प्लस H2O, राइट? अरे उल्टा लिख दिया है, दिस द फर्स्ट वन इज डाइल्यूट, सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तो NO बनेगा, और नाइट्रिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा। तो बेटा मार्किंग कहां करेंगे हम, बताइए मार्किंग कहां करेंगे हम, मार्किंग करेंगे यहां पर, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो NO बनेगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO2 बनेगा, यही पूछा जाता है आपको, राइट? चलो, और आपको एक रिएक्शन लिख के दिया है जिंक का, अगर जिंक रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, चलिए अगर ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, रेजन सबको पूरा स्लाइड दो बार लिखने दूंगा, विषय वाले जितने भी बॉयज है ना, पूरे स्लाइड दो बार लिखाऊंगा, ध्यान रखना, मर जाओगे लिखते लिखते घर पे, चुपचाप बैठो, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। इट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस, यहां भी जिंक क्या बनेगा, ZnNO3 ट्वाइस। दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, अगर जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जिंक विल फॉर्म N2O प्लस H2O, एंड कॉन्सेंट्रेट के साथ यहां भी बनेगा NO2। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ भी क्या बनाता है, NO2 बनाता है, ये खास ध्यान रखना, जिंक के साथ डाइल्यूट क्या बनाएगा, N2O, और जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेट क्या बनाएगा, NO2। चलिए इसका बैलेंसिंग लेते हैं, बैलेंसिंग आपको प्रैक्टिकली याद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बैलेंसिंग, एग्जाम में अगर कुछ नहीं आता है तो ये तो आना ही नहीं है। इट इज 3-8, 3-8, 3-4। आप थोड़ा सा एक आध की याद रख सकते हो कि कॉपर 3 लेना है, कॉपर 3 लेना है, बाकी आप बैलेंसिंग कर सकते हो। जैसे आप कॉपर यहाँ पर 3 डालोगे, NO3 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 याद रखना पड़ेगा आपको, 3-8 दोनों याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जाना नहीं है रिएक्शन आगे। चलो यहाँ पे आपका 1-4, यहाँ पे क्या आपका 1-4, याद रखना है 38 से बैलेंस होगा और ये 14 से बैलेंस होगा, ये 38 से बैलेंस हो गया 14 से, देखो बाकी आपका बैलेंस हो जाएगा, कॉपर एक ही है, यहाँ पे कॉपर एक ही रखना है, नाइट्रेट टोटल 4 है, 4 में से एक यहाँ पर, इधर कितना होगा, 3 होगा, राइट? बाकी हाइड्रोजन देखो 4 है, यहाँ पे एक, 2 ही हाइड्रोजन है, क्या लगेगा यहाँ पे, टोटल कहाँ पे NO3 ट्वाइस होते, यहाँ पे 2 लगा दो, ओके। तो इधर वाले में की क्या है वो देखते हैं, जिंक वाले में डाइल्यूट का की है 410,
जिंक मार्केट में डाइल्यूट का की है 410 और कॉन्सेंट्रेट का की है 14। चलो 410 का की यहां पे 4 है, यहां क्या लगेगा 4 राइट। नाइट्रेट यहां पे कितना हो गया 4 × 8, यहां पे 10 है, 2 बचे, 2 ये रहे नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहां पे 10 है, यहां पे कितना हाइड्रोजन है 2 है, क्या लगेगा यहां पे 5, तो क्या बैलेंस। यहां पे आ जाओ जिंक एक नाइट्रेट यहां पे कितने, नाइट्रोजन 4 है, यहां पे 2 ऑलरेडी है, यहां पे 1 ही है, यहां क्या लगेगा आपका 2। हाइड्रोजन यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां क्या लगेगा 2। तो इस तरह से आप की बना के बैलेंसिंग याद रख सकते हो। बाकी ये बैलेंसिंग याद रखना प्रैक्टिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा इसको राइट। ये 3-8 कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 3-8। कॉन्सेंट्रेटेड वाला कौन सा गैस बनाएगा NO2, कॉन्सेंट्रेटेड वाला कौन सा गैस बनाएगा NO2, डाइल्यूट वाला कॉपर के साथ क्या बनाएगा NO, जिंक के साथ क्या बनाएगा N2O। ओके ओके, सम ऑफ द मेटल्स लाइक क्रोमियम एल्यूमिनियम डू नॉट डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये दोनों नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों के ऑक्सीडेशन से इनके ऊपर एक ऑक्साइड का फिल्म बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से मेटल नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि जैसे ही आप इनको नाइट्रिक एसिड में डालोगे, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करके उनके ऊपर एक ऑक्साइड का फिल्म बना लेगा, क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो और आगे मेटल को रिएक्शन नहीं करने देता है राइट। ये पॉइंट 10th में भी था। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स। चलो कुछ नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन के रिएक्शन लिखेंगे बेटा। नॉन मेटल ऑक्सीडेशन किस किस को ऑक्सीडाइज करना है, देखो विल ऑक्सीडाइज आयोडीन, विल ऑक्सीडाइज कार्बन, विल ऑक्सीडाइज सल्फर एंड विल ऑक्सीडाइज फॉस्फरस। किससे ऑक्सीडाइज करेंगे, विद नाइट्रिक एसिड, कौन सा नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड। चलो किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा वो देखना है आपको। सो आयोडीन के ऑक्सीडेशन से बनने वाला है HIO3 राइट, और नाइट्रिक एसिड खुद क्या बन जाएगा NO2+H2O। ओके चलो दिस HIO3 इज कॉल्ड आयोडिक एसिड। कार्बन क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होके, कार्बन ऑक्सीडाइज होके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। NO3 क्या बनेगा, NO2+H2O। सल्फर क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होके सल्फर के ऑक्सीडेशन से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये खुद क्या बन जाएगा NO2+H2O। फॉस्फरस के ऑक्सीडेशन से बनेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस यू विल गेट NO2+H2O। चलिए इसके की क्या है भाई, इसके की है 10, 4, 48, 20 10, 4, 48, 20 पहला आयोडीन था, आयोडीन कार्बन सल्फर फॉस्फरस नाइट्रिक एसिड अलग अलग प्रोडक्ट है। आयोडीन बिकम HIO3, कार्बन बिकम CO2, सल्फर बिकम सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फरस बिकम फॉस्फोरिक एसिड, एंड दूसरा प्रोडक्ट सबका कॉमन है NO2 एंड H2O। दूसरा प्रोडक्ट सबका कॉमन है, इज NO2 एंड H2O। चलो इसको बैलेंस करते हैं, यहां पर 10 HNO3 है, यहां पर 1 PHN और नाइट्रोजन नहीं है, क्या लगाएंगे यहां पे 10। हाइड्रोजन यहां पे 10 है, इधर क्या लगेगा 1 ऑलरेडी यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है ना, क्या लगाएंगे यहां पे 2। हाइड्रोजन कितना यहां पे 10 है, 2 यहां पर है, आपको यहां पे कितने चाहिए और 8 चाहिए, 4 लगा दो, हो गया बैलेंस। चलो यहां पे एक कार्बन नाइट्रोजन 4 कर रहे हैं, यहां पे 1 ही है, यहां क्या लगा देंगे 4, हाइड्रोजन यहां पे 4 है, इधर क्या लगा देंगे 2, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट यहां पे 40, यहां पे S8 है, तो यहां पे क्या लगाएंगे 8, सल्फर हो गया 8, नाइट्रोजन है 48, क्या लगाओगे यहां पे, हाइड्रोजन है 48, यहां पर ऑलरेडी कितना हाइड्रोजन आ चुके हैं 16 आ चुके हैं, 32 बचे, 32 मतलब यहां पे क्या लगेगा 16। चलो फॉस्फोरस 4 है, यहां लगा दो 4, नाइट्रिक 20 है, यहां क्या लगेगा 20, हाइड्रोजन यहां पे 20 है, यहां पे 12 है, कितने बचे 8 बचे 4। ओके लास्ट थियरी ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन दैट थियरी इज ब्राउन ग्रीन टेस्ट। शायद आपने थियरी कभी ना कभी किया होगा,
प्रैक्टिकल में करते हो ब्राउन रिंग टेस्ट, तो मेरे को कोई दया नहीं आ रहा तुम्हें देख के, खत्म कराओ चलो। सो कभी कभी 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दे तब तो नहीं चिल्लाते हो, है 5-10 मिनट जल्दी छोड़ते तब तो नहीं चिल्लाते हो कि सर आज क्या आधा घंटा जल्दी लेट छोड़ जल्दी छोड़ते हो, तो चलेगा फेस तो पूरा लेते हो 8 बजे तक का, जल्दी क्यों छोड़ रहे हो यार, ऐसा तो कभी नहीं होता ना तुमको। दो बार फिर जाने आ दो बाकी है, अभी मुझे खत्म करना है, कल से अपने फॉस्फोरस शुरू करेंगे, देखो बहुत कलरफुल है फॉस्फोरस, चलो ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है? नाइट्रेट्स। व्हाट यू मीन बाय नाइट्रेट्स? NO3-। बेटा कितने लोगों ने लैब में किया है ब्राउन रिंग टेस्ट? तो उसको पूछ रहा है तुषार, उसको पूछ रहा है तुषार सौरव, तो पूछ रहा है क्या है क्या बेटा? लैब में गए हो केमिस्ट्री के? गए हो केमिस्ट्री लैब? चलो चलो जाने, आप आपको ब्राउन रिंग टेस्ट के दो इक्वेशन याद रखते हैं, किसी को याद है ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या डालते हैं? इधर मत देखो, पैरा सल्फेट। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या डालते हैं? NaOH4 H2SO4 फर्स्ट ट्यूब को इंक्लाइन करके डालते हैं आप और रिंग बनता है, वो रिंग किसका होता है वो देखना है आपको। चलो तो दो रिएक्शन है बेटा, पहला रिएक्शन है आपको नाइट्रेट आयन में आप डालते हो NaOH4, FeSO4 में Fe किस फॉर्म में होगा? +2। FeSO4 में Fe किस फॉर्म में होगा? +2। अब FeSO4 डालते हो Acd5, राइट? Fe+2 Acd5 होता है, यहाँ क्या आ जाएगा? H+। चलिए क्या बनेगा ये देखते हैं। सो Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर बनेगा Fe+3 और ये नाइट्रेट रिड्यूस होकर बनेगा NO और प्लस क्या बनता है? मैंडेटरी H2O, राइट? अब ये Fe+3 बनाने वाला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद दिस NO। Fe+3 NO के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देखो कैसे बनाएगा। ओके, यू हैव Fe H2O6, ये पानी Fe जो आयन है आपका, वो पानी के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा Fe H2O6। Fe पानी के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा Fe H2O6+3। क्या कंपाउंड बनाएगा? Fe H2O6+2 बनाएगा, रिएक्ट करेगा NO के साथ, रिएक्ट करेगा NO के साथ, एनओ बिंदु गैस Fe NO H2O5+2+ एंड एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, दैट इज ब्राउन कलर सब्सटेंस। नोट दो बार लिखोगे कि एक बार लिखोगे? एक बार में क्या होगा, दो बार लिखते हैं। चलो सेम व्हाट विल हैपन। सो रिंग टेस्ट में हम क्या क्या ऐड करते हैं? रिंग टेस्ट में हम ऐड करते हैं नाइट्रेट आयन फिर पैरा सल्फेट और फिर हम टेस्ट ट्यूब इंक्लाइन करके डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब इंक्लाइन करके क्या डाला जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन क्या होगा वो देखो, तो Fe SO4 का Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? Fe+3। NO3- रिड्यूस होके क्या बनेगा? NO बनेगा। NO3- रिड्यूस होके क्या बनेगा? NO बनेगा। अब ये जो Fe+2 है आपका, ये H2O के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा Fe H2O6+2 और जैसे ही Fe H2O6+2 को ये NO मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, NO अंदर आएगा एंड यू विल गेट दिस ब्राउन कलर सब्सटेंस जो रिंग के फॉर्म में आपको दिखता है। तो रिंग किसकी वजह से होता है बेटा? Fe NO H2O5+2। रिंग किसकी वजह से होता है? Fe NO H2O5+2। इसका IUPAC नेम बनेगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल, कहते हैं इसे, 9th chapter में सीखोगे, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल फेरेट 2। पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल फेरेट 2 आयन है ये, राइट? और इसकी वजह से आपको ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखता है। वापस एक बार, आपने क्या लिया था? आपने क्या लिया था नाइट्रेट आयन, क्या डाला था उसमें? H2SO4 एंड Fe SO4। श्रेयस आना ही बहुत अंदर,
नहीं खत्म हुआ था, साढ़े नौ बजे तक। चलो बेटा लास्ट क्लास में तैयार रहना, 11 बजे तक भी क्लास होंगे, रिवीजन जब चलेगा ना फरवरी में, तब NO3 माइनस Fe2SO4 H2SO4। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ना, नो। नो कहां से मिलेगा? NO3 माइनस में से। कैसे मिलेगा? जब वो किससे रिएक्ट करेगा? Fe+2 से। मीडियम कौन सा? एसिडिक। प्लस टू से क्या बनेगा? +3। NO3- से क्या बनेगा? NO। ये NO किसके पास जाएगा? Fe2O6+2 के पास। पर जैसे ही Fe2O6+2 से बनेगा, क्या बन जाएगा? एक H2O बाहर, एक NO अंदर। FeNOH2O5+2, दैट इज ब्राउन कलर सब्सटेंस, दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। बंद कर दो इसे, बंद कर दो। बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe+2, Fe+2 टू रिड्यूस द नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। अरे कोई नहीं, यहां पे Fe+2 क्या बना रहा है? इतना बैठ जा, 2 मिनट बचे बैठ भाई। सो Fe+2 नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करके क्या बना रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टेटमेंट लिखना है आपको, Fe+2 नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करके क्या बना रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा? Fe+2 के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा? Fe+2 के साथ, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ब्राउन कलर। द टेस्ट इज यूजुअली कैरीड आउट इन एडिंग बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले आप डाइल्यूट FeSO4 डाल दो, राइट, टू एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन, एंड देन केयरफुली एडिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द वॉल्स ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। A brown ring at the interface between the solution and sulfuric acid layer indicate the presence of nitrate ion in the solution. Most important theory, a reaction आपको 3 बार लिखना है homework में। कितने बार लिखेंगे इसको? 3 बार, right? इसको balancing बताओ, कैसे balance करेंगे इसको? How will you balance it? ये redox से balance कर सकते हो आप? This you can balance by redox, ये +5 से बना है +2, +5 से +2, तीन का चेंज हुआ तो यहां पे आएगा 3, राइट। चार्ज बैलेंस करेंगे, यहां पे +9, राइट, यहां पे चार्ज है +6 एंड -1, +6 एंड -1 मतलब यहां पे +5, यहां पे +9, 4H+ चाहिए, हो गया 4H+, तो यहां पे चाहिए 2H2। बैलेंस्ड, तो आप रेडॉक्स एस तो इजीली बैलेंस कर सकते हो, दूसरे वाला रिएक्शन तो बैलेंस ही है। स्टेटमेंट क्या है? वापस एक बार स्टेटमेंट है, Fe+2 नाइट्रेट आयन को क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड NO, NO रिएक्ट करेगा Fe+2 के साथ, ब्राउन कलर कंपाउंड बनेगा Fe H2O5 NO+2, राइट। फिर उसका प्रोसीजर आपको लिखना है, फटाफट इसके यूजेस देख के खत्म करते हैं। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इट इज यूज इन एक्सप्लोसिव एंड पायरोटेक्निक्स। ये कुछ नया है, पायरोटेक्निक मतलब हाई टेम्परेचर के लिए। पायरोटेक्निक्स कुछ नया है, एक मार्क में आएगा। पायरोटेक्निक के लिए क्या यूज होता है? नाइट्रिक एसिड। प्रिपेरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारे के सारे एक्सप्लोसिव है। प्रिपेरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, प्रिपेरेशन ऑफ TNT, सुना है TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्युइन, टेररिस्ट बहुत यूज करते हैं। अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड, अदर मेजर यूजेस आर ऑफ पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग ऑफ मेटल्स, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, ये बहुत पूछा गया है। एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, क्या वी हैव कंप्लीटेड द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कल मुझे सबके नोट्स पूरे कंप्लीट चाहिए, एक एक लाइन, राइट। सी यू टुमारो, बाय बाय।